सीखो कैसे कैसे करते हैं क्रोमोसोम का क्वेश्चन, डिस्कशन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 31 बताओ क्या है। सम स्ट्रिंग, अच्छा स्टोन टाई एट वन, ऐसे क्वेश्चन तो किए हैं। अगेन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन एक्सपीरियंस बाय द स्ट्रिंग बाय इज 2 kg वेट, ठीक है। देन मास ऑफ द स्टोन मस्ट बी, मास ऑफ द स्टोन मस्ट बी, ये क्या कैसा क्वेश्चन है। सम स्टोन एट वन एंड ऑफ लाइट स्ट्रिंग इज राउंड अ वर्टिकल सर्कल, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन एक्सपीरियंस बाय द स्ट्रिंग इज 2 kg वेट, देन मास ऑफ द स्टोन मस्ट बी, मैक्सिमम मिनिमम क्या, वर्टिकल सर्कल में बोल रहा है ना। अच्छा, वर्टिकल सर्कल में बोल रहा है, जैसे बिल्कुल लीस्ट और अच्छा। एक्सट्रीम पोजीशन पे तो आपको पता है कि वर्टिकल सर्कल में टेंशन मिनिमम कहाँ होता है, टेंशन मिनिमम यहाँ पे होता है, और मैक्सिमम टेंशन क्या होता है, यहाँ पे होता है, यही बात था ना। इन दोनों जगह पर टेंशन निकालोगे, दोनों को डिफरेंस करोगे, ठीक है, और उसको पुट करोगे आप 2g के बराबर, 2g के बराबर, ठीक है। तो वहां से आपका मास ऑफ द स्टोन आ जाएगा, मास ऑफ द स्टोन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी टेंशन जब लिखोगे, यहाँ भी टेंशन लिखोगे तो एमबी स्क्वायर बाई आर के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। लेंथ नहीं दे रखा है, मिनिमम टेंशन एक्सपीरियंस हो जाए, लेंथ देना चाहिए ना, क्या लगता है तुम लोग को। लिखो तो क्या होता है, अच्छा इस पॉइंट पे क्या होगा, मान लो कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितना होता है, रूट अंडर 2 GL टू जी एल, मिनिमम पॉइंट पे 5 RG ना, और यहाँ पे क्या होता है अंडर रूट RG, तो कट जाएगा, हमको लगता है आर आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब टेंशन लिखोगे तो वी स्क्वायर करोगे, वी स्क्वायर बाय आर करोगे, तो आर आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मास में आएगा, तो जो डिफरेंस आएगा उसको 2g से आप बैलेंस करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ, दोनों जगह पर टेंशन निकाल सकते हैं ना। इस केस में यहाँ पर टेंशन, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टेंशन हो जाएगा, यहाँ पे जब लिखोगे तो क्या आ जाएगा, मिनिमम टेंशन आ जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ बताए थे अलग अलग पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए, बस उस दोनों क्या करना है, टी मैक्स माइनस टी मिन इक्वल टू 2g पुट करना है, टी मैक्स माइनस टी मिन इक्वल टू 2 × g पुट करना है। ये दोनों क्या आएगा, डिफरेंस जो आएगा मास के टर्म्स में आएगा, वहां से आपको मास निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इन इनफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा है क्या। इनफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल तो क्या होता है, जीरो होता है। इनफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में एटी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, और सिर्फ क्या होता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है। जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा, जो कि क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, अ मैन टाइड टू अ स्ट्रिंग मूव्स इन अ वर्टिकल सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 m/s एज शोन, ठीक है। एट ए पॉइंट पी द स्ट्रिंग ब्रेक्स, द मास विल रिच हाईएस्ट पॉइंट पी ऑफ नियरली, अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी कराए हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि बोले थे कि मान लो कि आप लोग बताए थे कि सपोज दैट कि मान लो कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दिया गया है वी, यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया है वी, तो सपोज दैट कि यहाँ के बाद जाके स्ट्रिंग मान लो कि ब्रेक कर गया, ऐसा क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग यहाँ पे ब्रेक कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद क्या होगा, जो वेलोसिटी बचेगा इसका वो आपको वेलोसिटी आ जाएगा किससे, अगर ये इनफॉर्म दे रखा है कि ये 5 से मूव कर रहा था, यहाँ पे क्या है, 5 है, ठीक है। अब बोलता है इनफॉर्म से मूव कर रहा है कि लोएस्ट पॉइंट 5 m/s दिया, ठीक है, देखते हैं जो भी होगा। मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वी है। अब क्या बोल रहा है, जैसे ही पॉइंट यहाँ से ब्रेक कर गया, स्ट्रिंग क्या कर गया, ब्रेक कर गया, तो स्ट्रिंग ब्रेक करने से जो पार्टिकल है कैसे मूव करेगा, वर्टिकली मोशन अंडर ग्रेविटी में। मान लो कि यहाँ से कोई पार्टिकल को 5 m/s से या फिर जो भी वेलोसिटी होगा उससे ऊपर की ओर फेंके, तो बोलता है कि ये क्या करता है, कितना ऊपर तक जाएगा, यहाँ से कितना ऊपर तक जाएगा। तो बेसिकली क्या है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो यहाँ पे जाके इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो निकाल लो,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू एस से फाइनल वेलोसिटी कितना होना है, जीरो होना है। इनिशियल कितना है, पांच मान के चलते हैं, तो कितना फाइव जाएगा, 25 माइनस टू इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5 10 2 20, तो 25 बाई वन 1.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो 1. कितना हो जाएगा, 5 ना, 1.25 टू नहीं, फाइव 20 50, 1.25 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी स्ट्रिंग ब्रेक करेगा पार्टिकल क्या करेगा, टेंजेंशियली मूव करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। एक क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, तो ओवर ब्रिज इज कॉनकेव इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्वेक्स एंड देन थ्रस्ट ऑन द रोड एट द लोएस्ट पोजिशन विल बी। इसमें एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, चलो इसको जैसे कि मान लेते हैं कि तीन कंडीशन लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन शायद नहीं करवाए हैं, मुझे पता था कि कहीं ना कहीं एग्जाम आएगा। तीन कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ऐसे सरफेस पे तीनों केस में पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी इसका क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, वी है, यहाँ भी टेंजेंशियल स्पीड क्या है इसका, वी है, और यहाँ भी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है इसका, वी है। सपोज दैट इस केस में जो नॉर्मल है एन ए है, इस केस में जो नॉर्मल है एन बी है, और इस केस में जो नॉर्मल है एन सी है, ठीक है। तो बताओ कि एन ए एन बी और एन सी में क्या रिलेशन होगा, अगर आपको अरेंज करना होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो कैसे अरेंज करोगे, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा कौन बीच में आएगा। सर एन ए सबसे बड़ा है, उससे छोटा एन सी और सबसे छोटा एन बी। वेरी गुड, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे आप लिखोगे इक्वेशन, इस केस में जो टुवार्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, एन ए माइनस एम जी होगा, क्योंकि नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा, और इसका जो वेलोसिटी है क्या है, वी है। तो यहाँ पे जब लिखोगे, मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जब इक्वेशन लिखोगे तो सेंट्रिपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, एन ए माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, बुकलेट में भी शायद दिया हुआ है थ्योरी पार्ट में। और यहाँ पे जब लिखोगे तो यहाँ पे ऊपर की ओर लग रहा है एन बी, नीचे की ओर लग रहा है एम जी, और इसका वेलोसिटी क्या है, वी। तो यहाँ पे लिखोगे तो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सा होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स होगा एम जी माइनस एन बी, एम जी माइनस एन बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और इस केस में तो क्या होगा, सिंपल एन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, ये तो बहुत की हम लोग, एन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो एन बी इक्वल टू क्या आ गया, एन बी इक्वल टू एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में एन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो अगर देखोगे तो एम जी प्लस समथिंग है, ये क्या है, एम जी माइनस समथिंग है, ये एम जी के बराबर है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा क्या होगा, एन ए होगा, ठीक है। उससे कम कौन सा होगा, तो उनसे कम होगा एन सी, उनसे कम होगा एन सी, और सबसे छोटा कौन सा होगा, एन बी होगा, सबसे छोटा क्या होगा, एन बी होगा। इसलिए जब आपको इस केस में आपको एक मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा जहां तक ये क्या करेगा, टर्न करेगा बी वाले केस में। क्योंकि देखो बी वाला में क्या हो सकता है, कि मान लो कि वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे, वेलोसिटी आप बढ़ाते जाओगे तो एम जी माइनस एन की वैल्यू बढ़नी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या करनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तभी वेलोसिटी बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल जो फोर्स है वो क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा, नॉर्मल फोर्स क्या करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगा, जब नॉर्मल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उससे नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, नॉर्मल नॉर्मल तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। नॉर्मल फोर्स अगर जीरो होगा तो जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और किसके बराबर होगा, तो सिंपल अंडर रूट आर जी के बराबर होगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट आर जी के बराबर होगा। इस केस में आएगा मैक्सिमम वेलोसिटी जहां तक केस इसके कॉन्टैक्ट सर्फेस में रहेगा, अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी दे दोगे तो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जीरो होने का मतलब ही होता है कॉन्टैक्ट ब्रेक कर जाना। लेकिन इस केस में आप जितना वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ाते जाओ, ठीक है, उससे क्या होगा, नॉर्मल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, जितना वेलोसिटी बढ़ाओगे उतना ही नॉर्मल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इस केस में कोई कॉन्टैक्ट ब्रेक होने वाला सीन नहीं होगा, नहीं इस केस में होगा, आप कितना भी स्पीड से इसको मूव कराओ,
एनसी इक्वल टू क्या रहेगा, एमजी ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है नहीं। ये चीज एक ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट बनेगा, जो क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट बनेगा ठीक है। कॉनकेव मतलब कौन सा होता है सरफेस, कॉनकेव मतलब ऐसा वाला सरफेस है। स्मूथ सरफेस इनर साइड होता है। हाँ तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, इस तरह से मूव कर रहा होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। कॉनकेव बोल रहा है ना, कॉन्वेक्स बोल रहा है, कॉनकेव बोल रहा है ना, इस तरह का सरफेस बोल रहा है ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 36। हाँ सर, सर आप कन्वेक्स ब्रिज बनाए, कनकेव ब्रिज तो उल्टा होगा ना। कनकेव ब्रिज उल्टा होगा मतलब, तो ओवर ब्रिज इज कनकेव इंस्टेड ऑफ कन्वेक्स, आप कन्वेक्स बनाए। कन्वेक्स बनाया, क्वेश्चन में कनकेव पूछा जा रहा है, कनकेव पूछ रहा था, हो जाएगा ng प्लस mb स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ng प्लस, मैं तो सारा केस बता दिया, अब देख लो कौन क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ेंगे, ये सब तो बचपन से पढ़ते आए ना। ये हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है ठीक है, कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ब्रेक इफ टेंशन एक्सीड, यहाँ पे दे रखा है 10 न्यूटन इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ठीक है, मास इसका दे रखा है, तो कितना मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगा। इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत किया है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, इफ इक्वेशन ऑफ, जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उसको आप बना लेंगे ठीक है, जो छोड़ रहे हैं उसको बनाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है, इफ द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय दिस, वेयर थीटा इज इन रेडियन एंड टी इज इन सेकंड, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको थीटा दिया हुआ है पर एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा डिफरेंशिएट करेंगे। वेरी गुड, डी थीटा बाय क्या कर देंगे, डीटी कर देंगे। तो यहां डिफरेंशिएट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। अब 2 सेकंड के बाद पूछा है तो 2 पुट कर दो तो कितना जाएगा, 24 जैसे वहां पे लीनियर में करते थे वेलोसिटी निकालते थे, उस तरह से यहां पे एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। 38 न्यूटन स्टार एनवायरनमेंट डेंसिटी ऑफ रोटेटिंग स्टार इज एसेट टू 20 किलोमीटर देन द एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल सिचुएटेड एट द इक्वेटर ऑफ द स्टार विल बी ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कोई भी स्टार है जो कि 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है ठीक है, 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है, तो मान लो कि इसके इक्वेटर पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, इसके इक्वेटर पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है ठीक है, तो क्या पूछ रखा है, एक्सेलरेशन पूछ रखा है, एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कितना होगा ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, यहाँ पे जो भी होगा क्या होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा, और कितना होगा, वो कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर, या फिर इसको कैसे ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको दिया हुआ है आर दे रखा है, तो इसको वी को ओमेगा में कर दो, तो वी बाई वी इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर करना, ऐसे क्वेश्चन किए हैं पहले भी, आर ओमेगा स्क्वायर कर देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा, वही क्या होगा यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन पूछ रखा है वो होगा, कोई दिक्कत। ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं बहुत सारा, अर्थ की जगह पे कोई और दे दिया है ठीक है, और इक्वेटर पर दिया है तो इसका रेडियस यूज करेंगे, मान लो कहीं यहाँ पे दिया होता ठीक है, तो हम लोग ए रेडियस यूज करते हैं ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ ना बोलो। 39, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज टाइट वन एंड ऑफ द 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग
एट द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल मैक्सिमम रिवोल्यूशन ऑफ मोमेंट एंड द मैक्सिमम टेंसाइल, ठीक है ये भी निकल जाएगा। अब क्या दे रखा है, जैसे कि पहले क्या था ना टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखा था, अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या कर रहा है पूछ रखा है, और पूछ रखा है कि मैक्सिमम रिवोल्यूशन जो है ओमेगा मैक्स दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको टी मैक्स निकालना है, कितना टेंशन मैक्सिमम वो होल्ड कर सकता है। कुछ नहीं, टी मैक्स इक्वल टू क्या पुट कर दो अगेन, आर ओमेगा स्क्वायर। टी मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ओमेगा मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दोगे मास से, फोर्स चाहिए ना, एम आर ओमेगा मैक्स स्क्वायर हो जाएगा टी मैक्स के बराबर। यहाँ पे एम दे रखा है आपको, आर दे रखा है, आर ए हो गया, एम ए हो गया, ओमेगा मैक्स दे रखा है, यहाँ से आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ टी मैक्स निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, अ स्टोन इज मूव्ड अराउंड हॉरिजॉन्टल सर्कल विद दिस लॉन्ग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ 9.0 देन द एंगुलर वेलोसिटी। इस तरह क्वेश्चन भी कर रखे हैं, बहुत कर रखे हैं, कुछ भी नहीं है इस तरह क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, हाँ क्वेश्चन नंबर 41 देखो, बोलता है कि एरोप्लेन रिवॉल्व इन अ सर्कल अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ फिक्स्ड हाइट विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, द चेंज इन द वेलोसिटी आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रिवॉल्यूशन। तो कुछ भी नहीं है, मान लो कि अर्थ के चारों पट्टी, ठीक है, अर्थ के अराउंड कोई प्लेन अगर रोटेट कर रहा है, ठीक है, सिंपल अर्थ के अलोंग कोई प्लेन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो मान लो कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी किधर होगा, इस डायरेक्शन में, हाफ रिवोल्यूशन के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में, हाफ रिवोल्यूशन के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को निगेटिव मानेंगे, क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो माइनस वी माइनस वी कितना हो जाएगा, माइनस टू वी। अगर चेंज की बात करेंगे तो टू वी के बराबर होगा, ठीक है, टू वी के बराबर होगा। यहाँ पे 100 दे रखा था, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 42 बोलो सर, माइनस भी कैसे, वी माइनस ब्रैकेट में माइनस भी ना, एक भी तो पॉजिटिव ही है ना, चेंज की बात कर रहा है। अगर आप इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, डायरेक्शन थोड़ा ना दिया हो कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर मान लो कि हम पहले क्या के इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, मान लो कि इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, चेंज की बात कर रहा है, चेंज हमेशा मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लेंगे। डेल्टा वी की बात करेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, वी माइनस माइनस वी, तो भी आ जाएगा टू वी। अगर आप इस डायरेक्शन को क्या मानोगे, पॉजिटिव मानोगे, तब क्या आ जाएगा, डेल्टा वी, इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, माइनस भी माइनस, और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा जो पहले लिखे थे हम, तो माइनस टू भी। तो माइनस और प्लस तो बस डायरेक्शन के लिए बता रहा है, यहाँ पे कुछ फिक्स डायरेक्शन दे नहीं रखा है किधर से रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन चेंज जो होगा अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो क्या आएगा, टू भी के बराबर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग, शायद ये रिपीट ही हो गया है, 7 RPM वाला, कि अगर टेंशन डबल कर दे जाएंगे तो आरपीएम में कितना आएगा, जो √2 × 5 आ रहा था, शायद वही वाला है क्वेश्चन, नहीं कल भी कर रहे थे क्वेश्चन, यस सर, √2 × 5 आ रहा था, 5 RPM 7 RPM, तो कल भी कर चुके हैं। 43, अ व्हील इज सब्जेक्टेड टू इनफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट्स एक्सिस, इट्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0 इन द फर्स्ट 2 सेकंड, इट रोटेट्स थ्रू एंगल थीटा 1, in the next 2 seconds it rotates through the angle of theta 2, then the ratio of theta 2 by theta 1 kitna hoga, ek question karo zara, kuch nahi lagana, bas theta 1 equal to kya likhana hai, initially kitna hai, 0 se start kiya hai, to theta kya hota hai, kaise likhte hain, to omega naught t plus half of alpha t square, theek hai, omega naught to de rakha hai 0, to theta 1 equal to kitna aa jayega, omega naught 0 hai to ye jayega half of अल्फा इंटू टी वन स्क्वायर, टी वन कितना है, तो फर्स्ट 2 सेकंड कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, उस तरह से थीटा 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन ओमेगा नॉट तो 0 हो जाएगा, अगर टी इक्वल टू 0 शुरू करते हैं तो हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब टी 2 लिखेंगे तो टी 2 2 सेकंड नहीं लिखेंगे, टी इक्वल टू 0 शुरू कर रहे हैं ना, टी इक्वल टू 0 से शुरू कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 4, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो बेसिकली
ये जो थीटा टू है कैसे आएगा, ये तो क्या हुआ 4 सेकंड में इतना रोटेट किया, माइनस क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, थीटा वन करना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू अल्फा इंटू 16 माइनस हाफ इंटू अल्फा इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 12 अल्फा बाई 2, और ये कितना आ गया था 4 अल्फा बाई 2। रेशियो देख लो कितना आएगा, थीटा 2 बाई थीटा 1 कितना आएगा 3 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, ये तो बहुत बार आ चुका है। ठीक है, वर्कडन क्या होता है, जीरो होगा वर्कडन, परपेंडिकुलर होता है ना डिस्प्लेसमेंट के, ये जीरो आएगा, बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन। A stone of mass this string of length itna moving in a circle path with the speed of this tension acting on the string, simple tension nikalna hai, m square by r karna hai, ek question bhi ho jana chahiye, theek hai, koi dikkat nahi hai। 46 kya bolta hai, breaking tension of the string this particle of mass itna rotating along the horizontal circle of radius this the maximum speed with which the particle can rotate, ye bhi bahut baar kar chuke hain, theek hai, maximum tension nikalna hai kitna, jo maximum sorry मैक्सिमम स्पीड निकालना है तो मैक्सिमम टेंशन के बराबर पुट कर देंगे एमबीएस करवाए आर को, एक ही क्वेश्चन को 10 बार करने का मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा अलग लग रहा है, पढ़ो। अ पार्टिकल पी विल बी इन इक्विलिब्रियम इनसाइड ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, ठीक है, इसका रेडियस दे रखा है 0.5 मीटर एट अ हाइट ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द बॉटम, यहां से हाइट दे रखा है कि 0.2 मीटर पे पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में है, पार्टिकल क्या है इक्विलिब्रियम में है, तो आपको निकालना है कि एंगुलर स्पीड कितना होगा इसका, एंगुलर स्पीड कितना होगा इसका, ठीक है, कैसे करेंगे बताओ, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, नया टाइप का, बताओ, नया क्वेश्चन आया था, पूछ रहे हैं बताओ कैसे करेंगे, अकेले हो क्या मिली, क्या सर अकेली हो तू, बाकी लोग कुछ बोलचाल नहीं करते सब, एक क्वेश्चन पढ़ो और एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। करो, इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स क्या होगा इस पे, जीरो होगा, नेट फोर्स क्या होगा इस पे, जीरो होगा, तो इस पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो लग रहा होगा इलेक्ट्रो नॉर्मल, और नीचे को क्या लग रहा होगा, एमजी, ठीक है, अगर नॉर्मल का दो कंपोनेंट आप ब्रेक करोगे, ठीक है, एंगल निकाल लेना कितना होगा थीटा, तो हो जाएगा आपका एन एन कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा एन साइन थीटा, ठीक है, तो यहां से अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम जी, इक्विलिब्रियम में तो वर्टिकल फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तो n cos theta इक्वल हो जाएगा mg, और ठीक है, और दूसरा काम क्या होगा, तो जो n sin theta है वो क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो किसके बराबर होना चाहिए, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर जैसे लिखते हो, mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, तो यहां से आप पुट कर दोगे कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू mg by cos theta, mg by cos theta sin theta by cos theta कितना हो जाएगा tan theta, तो हो जाएगा mg tan theta is equal to m omega square into r, m से m क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा, तो यहां से आपको omega is equal to कितना आ जाएगा g tan theta by r, ठीक है, g का वैल्यू पता है, r का वैल्यू कितना होगा, तो r कौन सा लेंगे हम लोग, तो r हम लोग ये वाला लेंगे, ऐसा मत लेना ये वाला, r हम लोग ये लेंगे, ठीक है, और थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि ये पूरा दे रखा है आपको, नहीं कितना दे रखा पूरा, ये पूरा दे रखा है आपको 0.3 दे रखा है ना, 0.3 था ना, यहां से लेके यहां तक 0. हाइट दे रखा 0.3, ये कितना है 0.1, ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.4, अगर यहां से थीटा लिखोगे तो आपने क्या माना है, आपने इस एंगल को थीटा माना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो अगर tan 90 माइनस थीटा लिखोगे
90 माइनस थीटा, चाहे इसी को थीटा मान लेना ना, इसी को थीटा मान लेना, झंझट नहीं होगा, ठीक है। बस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एन साइन थीटा हो जाएगा और ये एन कॉस थीटा हो जाएगा, ताकि इस ट्रायंगल से आपको टेन थीटा का वैल्यू लिखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 0.1। इसको अगर थीटा मानोगे तो आराम हो जाएगा, इधर हो जाएगा एन कॉस थीटा, इसी क्वेश्चन में इधर हो जाएगा एन साइन थीटा, ठीक है। एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी कर दोगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो टेन थीटा है क्या आ जाएगा, कॉट थीटा में आ जाएगा, ऐसे भी 90 माइनस थीटा हो जाता, यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे। इस तरह क्वेश्चन करवाए भी थे सर क्लास में, ये बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, 48 देखो क्या होगा। अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 80 मीटर विद वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ही हैज टू लीन फ्रॉम ए वर्टिकल एक्सप्रोमेटली थ्रू द एंगल। अच्छा, एक क्वेश्चन भी हम लोग करवाए हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, बेंडिंग वाला काम करवाए थे हम लोग, कि मान लो कि सर्कुलर ट्रैक पे, इसमें थोड़ा सा रह गया था ये पार्ट, देखो मान लो कि कोई साइक्लिस्ट इस पे साइकिल चला रहा है, मान लो कि इसमें फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मान लो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो कैसे कैसे मोड़ेगा, कैसे टर्न करेगा, कैसे टर्न करेगा बताओ तो, क्योंकि टर्न करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, और अगर मान लो कि फ्रिक्शन था तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या दे रहा था, सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा था। मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है तो क्या करेगा, अगर आप इस सरफेस पर चल रहे हो, आप खुद को ऐसे बेंड कर लो, आप देखे हो कभी कभार जब साइकिल चलाता है आदमी ऐसे टर्न के टाइम पे थोड़ा झुक जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है, झुकता कि नहीं झुकता है। मान लो कि आपको इस डायरेक्शन में टर्न करना है तो क्या करता है, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में झुक जाता है, उससे क्या होगा, ये आप नॉर्मल जो लगेगा इधर की ओर लगेगा, नॉर्मल क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा। मान लो कि वर्टिकल से थीटा एंगल इस तरह से बेंड कर गया है, ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो एन का एक कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा, वो क्या प्रोवाइड कर देगा, इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, और ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, और एन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सेम ही कॉन्सेप्ट है, एन कॉस थीटा एम जी के बराबर हो जाएगा, एन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ये बेंड कर जाने से एक नॉर्मल का जो कंपोनेंट होगा क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं, इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल का कंपोनेंट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर के। वहां सॉल्व करोगे इसको, इस तरह क्वेश्चन इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। कितना एंगल निकालना है, दे रखा है कि रेडियस कितना है 80 मीटर है, वेलोसिटी दे रखा है आपको 72 है, तो आप एन कॉस थीटा को, सॉरी एन साइन थीटा को एम वी स्क्वायर बाई आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यहाँ से देखोगे सॉल्व करके, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आ जाएगा, आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी। टेन थीटा निकालना है तो वी स्क्वायर दे रखा आपको 72 का स्क्वायर कर देना, यूनिट चेंज कर लेना, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, सारा को मीटर पर सेकंड कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ उतना, ठीक है। और नीचे आर जी की वैल्यू पुट कर देना, आर इक्वल टू दे रखा है आपको, जी इक्वल टू आपको पता है, सॉल्व करोगे वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। A roadway of bridge over the canal is form a circular arc of radius this. What is the greatest speed with which a motorcycle can cross the bridge without leaving the ground? ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है कि बोलता है कि मान लो कि एक कैनाल के ऊपर रोडवे इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से रोडवे बना हुआ है, तो बोलता है कितना मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए ताकि ये कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करे। आपको भी लिखे थे कि यहाँ पे जो इक्वेशन होगा कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे n माइनस, सॉरी यहाँ पे जो इक्वेशन लिखेंगे कैसे लिखेंगे हम लोग, एम जी माइनस एन इजक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो मैक्सिमम जो v होगा कब होगा, जब नॉर्मल फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी एम जी इजक्वल टू अभी सब बता के आए थे एम वी स्क्वायर बाई आर कर देंगे, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकल जाएगा कितना, अंडर रूट आर जी के बराबर, अंडर रूट आर जी पुट कर देना बस, 18 मीटर है
क्या हो जाएगा अंडर रूट 9.8 इंटू 18, 9.8 इंटू 18, यहाँ पर क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सारे नलायक गधे लोग? Yes. तो बोलो। बाकी मोहित समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। बोला करो कुछ यार, मतलब बोलने के पैसे थोड़ा लेते हैं, एक बार ले लिए होंगे स्मार्ट वाले, अब नहीं लगेगा। आदित्य कौशल, कौशल है ना जी? हाँ कौशल, समझ में आता है? बकबक करते हैं तो है? 50? Yes, sir. बहुत देर में बोला। क्वेश्चन नंबर 50, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है? अभी सब तीनों केस बता के आए थे कि इस तरह का रहेगा तो क्या होगा। अ ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड डाउन अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉल फ्रॉम द रिम टू द बॉटम एज शोन इन द फिगर, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम विल बी, ठीक है? अगर यहां से यहां तक आया, इसका जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, इसका जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, कैसे निकालते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतना क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है ना काम, और कोई फोर्स तो काम कर नहीं रहा, वर्क कर नहीं रहा, यहाँ पे जो नॉर्मल है हमेशा क्या है परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल कारक बकडन कितना होगा, जीरो होगा। और वहाँ पे बताए थे हम कि अगर कंजर्वेटिव फील्ड ही सिर्फ वर्क करे तो जो बकडन होता है किसके बराबर होता है, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बताए थे ना, थ्योरम बताए थे? Yes. वहाँ पे बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होता है वो टोटल वर्क डन के बराबर होता है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी टोटल वर्क डन के बराबर। वहाँ से भी एक कांसेप्ट आता है, सेम चीज है, अगर पोटेंशियल एनर्जी का जितना लॉस हुआ है उतना काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, गेन होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, mg into r के बराबर, हाइट r नीचे आ गया है, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हाफ into mv स्क्वायर के बराबर, सेम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 rg आ जाएगा, अंडर रूट 2 rg आ जाएगा, ठीक है? ये तो क्वेश्चन सर डायरेक्ट आया है, क्वेश्चन नंबर 51। अ मास m इज रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल सर्कल एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर, बाय हाउ मच टाइम्स डज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट एक्सीड द टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, पूछ रहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट में क्या डिफरेंस है टेंशन का, कितना होता टेंशन याद है? हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना था? अंडर रूट 5 आरजी। ये पूछ रहा है बाय हाउ मच टाइम्स डज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट एक्सीड द टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ये टाइम्स पूछ रहा है तो मतलब ये एमजी एमजी में किधर रखा है, तो मल्टीपल पूछ रहा है ना, कितना टाइम्स है, 1-3 आंसर आना चाहिए था। जैसे कि आपको लोएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है कितना होता है, अंडर रूट 5 आरजी के बराबर, और अपर मोस्ट कितना होता है, अंडर रूट आरजी के बराबर, ये सारा करवा चुके हैं। यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, मिडिल पॉइंट पे टेंशन कितना आएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना आएगा, ठीक है? तो आप निकाल लेना कितना आता है, यहाँ पे कितना था 6 एमजी था, यहाँ पे 3 एमजी था, और यहाँ पे 0 था ना, तो ऐसा डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस पूछेगा तो कितना आएगा, 6 mg के बराबर आएगा, 6 mg के बराबर आएगा, ठीक है? ये सारा हर पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करने बताए थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 52, जहां पे समझ में नहीं आएगा रोकना मेरे को, ऐसे नहीं बढ़ने देना। अ कार इज ट्रैवलिंग विद अ लीनियर वेलोसिटी v ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r, द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? Then the resultant acceleration will be, resultant acceleration क्या होगा? तो यहाँ पे 80 दे रखा है आपको, tangential दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि speed increase कर रहा ना, 80 क्या था? Rate of change of speed, 80 क्या था? Rate of change of speed, यहाँ पे 80 दे रखा है, और radial तो अपने को पता है कितना होता है, v square by r, तो जो net acceleration होगा क्या होगा? तो under root, ये सब बताया 80 plus ar, 80 plus ar, 80 square plus ar square, very good, 80 square plus ar square,
कितना हो जाएगा वी के पावर 4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अंश का आंसर हो जाना चाहिए, जाना चाहिए 52 का। अरे एक और आंसर सब मिला लेना, और कहीं पे गड़बड़ रहेगा तो मुझे बता देना। अगेन आ रहा है 53, सेम तरह का क्वेश्चन है शायद। बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग इन अ वर्टिकल प्लेन ऑफ रेडियस 2 मीटर, द वर्क डन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा इसमें जीरो नहीं होगा, वर्क डन फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, यहां से यहां तक मूव करने में कितना वर्क डन होगा। तो यहां पे जो भी टेंशन होगा वो तो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन कौन करेगा यहाँ पे, mg वाला, mg फोर्स क्या करेगा, इधर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ तक हो गया, तो जो वर्क डन होगा कितना होगा, mgh के बराबर, mgh के बराबर। mgh कितना हो जाएगा, m हो गया 2, g हो गया 10, और h कितना हो जाएगा, तो 2r के बराबर यानी 4, तो जाएगा 80 जूल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ mg वर्क कर रहा है, तो mg क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, mgh के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, a mass इज सपोर्टेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग एंड रोटेट अबाउट इट्स एक्स सेंट्रल एट एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा नॉट, देन लेंथ इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द एंगुलर वेलोसिटी आर डबल। कोई बात नहीं है, ठीक है, लेंथ और एंगुलर वेलोसिटी डबल कर देंगे तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेंथ भी डबल कर दो, ओमेगा भी डबल कर दो, कितना हो जाएगा, दोनों डबल कर रहे ना, इफ द लेंथ एंड द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एंगुलर वेलोसिटी डबल, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, हो जाएगा 80 नॉट, 54 का हो जाएगा 80 नॉट। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, टू सैटेलाइट्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियाई r1 एंड r2, जहां पर r1 दे रखा है ग्रेटर देन r2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग देयर स्पीड, ठीक है, अर्थ के अराउंड दो सैटेलाइट मूव कर रहा है, एक r1 रेडियस में और एक r2 रेडियस में, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, r2 वाले का स्पीड ज्यादा होगा। अगर दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी ऐसे यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, जो सैटेलाइट होता है उनका एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, v बाई आर। ओमेगा अगर दोनों का सेम है तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 होगा, मतलब v1 बाई r1 इक्वल टू v2 बाई r2, यानी v1 बाई v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 बाई v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, r1 बाई r2। अगर v1 ज्यादा है तो r1 क्या होगा, ज्यादा होगा। v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 बाई r1 इक्वल टू, ये क्या होगा, ये भी तो सही है, ये भी तो सही है। Because the following statement is true regarding their, अच्छा सिर्फ और सिर्फ दोनों ऑप्शन सही है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, देख लेना 55 का आंसर दोनों दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, v1 by r1 equal to v2 by r2 होगा, क्योंकि omega 1 equal to omega 2 करना है, लेकिन हाँ omega 1 equal to omega 2 करेंगे तभी, अगर यहाँ पे mention होता दोनों क्या कर रहा है, ये दोनों ऑप्शन सही होगा, दोनों मान के चलेंगे, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, मान के चल रहे हैं ओमेगा क्या है, दोनों का सेम है, तो v1 बाई r1 इक्वल टू क्या जाएगा, v2 बाई r2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सो एज टू जस्ट मूव अलोंग अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर, द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द पार्टिकल इज एट द लोएस्ट एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा। 56 बताओ,
हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, टेंशन कितना होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, जीरो, और लोएस्ट पॉइंट पे कितना होता है, 6 mg के बराबर। इस दोनों का रेशियो लेगा 6 mg बाय 0 तो कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी आ जाएगा। ऑलमोस्ट क्या मतलब, इन्फिनिटी आएगा, क्या जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, ये सब चीजें याद ही रखना, डाटा मेडिकल में काम आएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 57, थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल इज शोन इन द फिगर टाइड विद द स्ट्रिंग एंड स्पीड ऑफ द आउटरमोस्ट पार्टिकल इज बी, द रेशियो ऑफ T1 T2 T3 विल बी। ठीक है, T1 T2 और T3 विल बी, सबसे बाहर वाला का जो दे रखा है पार्टिकल का, इसका जो वेलोसिटी है वो दे रखा है आपको v दे रखा है। अब एक ही स्ट्रिंग से सारा अटैच्ड है, एक ही स्ट्रिंग से क्या है, सारा अटैच्ड है, तो सबका एंगुलर स्पीड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वापस ये स्ट्रिंग घूमते 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 यहाँ आ जाएगा, तो सब आ जाएगा यहाँ पे, तीनों पॉइंट आ जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सबका ओमेगा 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 एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सबका सेम होगा। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको अगर हम V1 मान लेते हैं तो V1 by R1 कितना हो जाएगा, 3L या 3L इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अगर V2 मानते हैं तो V2 by 2L इक्वल टू V1 by कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ये बात समझ में आती है, V1 by L हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रखा है, टेंशन, तो टेंशन क्या हो जाएगा, अगर हम T3 की बात करें, यहाँ पर जो टेंशन है T3 वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा M V1 square, ठीक है, M V1 square by 3L, ठीक है, और M3 square by हो जाएगा T1। उस तरह से T2 की बात करेंगे तो T2 कितना हो जाएगा, M V2 square by 3L, ठीक है। तो V1 by यहाँ से पुट करो, जैसे कि यहाँ पे देखोगे, अगर रेशियो देखोगे कि V1:2, V2:2, V3 तो कितना आ जाएगा, ये 3:2:1 3:2:1 ठीक है, 3:2:1 अगर स्क्वायर करोगे इसका, ठीक है, अगर टेंशन का रेशियो देखोगे T1:2, T2:2, T3 तो क्या आएगा रेशियो, ये रेशियो आएगा V1 square by 3:2, V2 square by 2:2, V1 square, ठीक है। अब V1 V2 V3 किस रेशियो में है, V1 V2 V3 क्या है, 3:1:2 क्या जाएगा, 9:4:1 तो फाइनल जो रेशियो आ जाएगा ये क्या जाएगा, 3:2:1 आना चाहिए, 3:2:1 ऐसे क्या दे रखा है सर। T2 mv² / 3L कैसे होगा, T1 = mv² / R, mv1² / अच्छा इसमें उल्टा दे रखा है क्या, इसको T1 मानना है, T3 नहीं मानना है, इसको T1 मानना है यहाँ पे, ठीक है, हाँ तो सही तो है, T1 = mv1² / 3L, हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें सर, तो टेंशन निकालना तो mv² / 2L होगा ना, ये लेंथ तो पूरा हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो गया, 3L हो गया ना, यहाँ से L हो गया, पर वो मास 1 के लिए ना, मास 2 के लिए तो उतना बड़ा रेडियस नहीं है ना, हाँ यहाँ पर 2L हो जाएगा और T3 = हो जाएगा mv1² / L हो जाएगा। और सर, हाँ सर, सेकंड मास पर एक तो सेंट्रिपेटल फोर्स लग रहा है और ऑपोजिशन में मास 1 का फोर्स भी तो लग रहा है, वो भी तो माइनस होगा ना। वेरी गुड, पूरा गड़बड़ कर दिया है हम, पूरा गड़बड़ कर दिया, जल्दी में था मैं, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो, वेरी गुड, तो बोलता हूँ जल्दी मेरे मत रहना, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ पे देखोगे पार्टिकल 3 पे इतना बड़ा क्वेश्चन देता है तुम लोग को, यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है V1 है, तो यहाँ पे जो T1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा एम वी वन स्क्वायर बाई थ्री एल, ठीक है, एल लेंथ हो गया 3L, ये बात तो सही है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टेंशन टी टू क्या है, नीचे बनाते हैं, यहाँ पे इधर की ओर लग रहा है टी टू, लेकिन इधर की ओर क्या लग रहा होगा, टी वन लग रहा होगा। तो जो यहाँ पे नेट सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा कितना आएगा, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन इक्वल टू कितना आ जाएगा अब एम वी टू स्क्वायर, ठीक है, बाई टू एल, एम वी टू स्क्वायर बाई टू एल। उस तरह से जब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट वाले में, इधर की ओर लग रहा होगा आपको टी थ्री और इधर की ओर क्या लग रहा है आपको टी टू, तो क्या आ जाएगा टी थ्री माइनस टी टू इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाई एल। टी वन टी टू टी थ्री निकाल लेना और उसका रेशियो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो आ सकता है जो आंसर दिया हुआ था, कोई भी आंसर जो होगा, टी वन टी टू टी थ्री निकाल लेंगे आप, ठीक है, सॉल्व करके निकाल लेंगे ना कि नहीं निकालेंगे, पूछ कर देना ना यहाँ से टी वन इक्वल टू, टी वन इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाई थ्री एल, ठीक है, उस तरह से टी थ्री भी आ जाएगा और सबका रेशियो निकाल लेना, जो आएगा वो सही होगा, जो आएगा वो सही होगा। अच्छा ये बताओ कि जो टेंशन होगा सबसे ज्यादा टेंशन कौन सा होगा, टी वन होगा कि टी टू होगा कि टी थ्री होगा, सबसे ज्यादा टेंशन किसमें होगा, अरे बोलो कोई, टी वन सबसे ज्यादा टेंशन टी वन, टी वन में सबसे ज्यादा टेंशन होगा, टी थ्री में होगा ना सबसे ज्यादा टेंशन, टी वन कितना होगा एम वी वन स्क्वायर बाई थ्री एल, ठीक है, अब टी टू क्या होगा, तो टी टू क्या होगा टी वन प्लस एम टू वी स्क्वायर बाई टू एल, टी वन प्लस आ रहा ना, इसको तो ऐड ही करेंगे टी टू में, जैसे जैसे जाएंगे क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे जाएंगे क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा, यानी टी थ्री क्या होगा ग्रेटर देन, टी थ्री क्या होगा ग्रेटर देन टी टू, ग्रेटर देन क्या होगा टी वन, ठीक है, यानी ये जो रेशियो है वो क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है, तो जैसे कि ये वाला है तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, बाकी तो निकालना ही पड़ेगा, निकाल लेना, ठीक है, आप टी वन टी टू टी थ्री निकाल के सबका रेशियो लगा, इसमें ध्यान देना हमेशा, ये चीज ध्यान देना, मैं भी इस कर गया था, यहाँ पे नेट फोर्स लिखेंगे हमेशा, नेट फोर्स लिखते हैं तो टी टू माइनस टी वन होगा, ठीक है, यहाँ पे टी थ्री माइनस टी टू होगा, ठीक है, समझ में आया, यस सर। क्वेश्चन नंबर 58, स्ट्रिंग ऑफ a string at 1 meter whose one end is at rest and mass of 100 gram is tied up the free end, string rotate at itna round per second around a vertical axis passing through its stationary end, angle made by a string with vertical and linear velocity at body will respectively in, ye kya puch diya, string is 1 meter whose one end is at rest, mass 100 gram is tied up with free end, stationary end कौन सा होगा इसका, ऐसा क्वेश्चन है, देखो हाँ क्वेश्चन ऐसा है, इस पार्टिकल को यहां से रोटेट कर रहा है, इस पार्टिकल को यहां से रोटेट कर रहा है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन है। अब यहाँ से मान लो कि स्टार्टिंग में ये जो दिया हुआ था, ठीक है, इतना से रोटेट करना शुरू किया, ठीक है, तो वेलोसिटी ओमेगा दे रखा तो वी भी निकल जाएगा, अभी जाके क्या होगा किसी एंड पॉइंट पे जाके इसका जो वेलोसिटी होगा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये एंगल कितना होगा, इस तरह क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ये एंगल कितना होगा, ठीक है, ये हम लोग निकालना सीखे हैं कि जब इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो उस टाइम पे, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे किए थे हम लोग, ये मान लो कि एम जी है, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, हो जाएगा एम जी साइन थीटा, तो हमने लिखा था कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
जो टेंशन था, टेंशन इक्वल टू कितना जाएगा एम जी कॉस थीटा कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। और ये तो इधर लगेगा जो इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, क्या निकालना क्या था मैं भूल गया। A string at 1 meter whose one end is at rest. तो थीटा निकालना है। हाँ थीटा तो निकालना है। तो ये t equal to हो गया mg cos थीटा। तो थीटा निकालना है linear velocity v। ठीक है ये ऐसे निकल जाएगा कि थीटा सिर्फ थीटा निकालना ना, सिर्फ थीटा का निकालना है तो but सिर्फ velocity भी निकालना है linear velocity। तो वही तो मैं सोच रहा हूँ कि लीनियर वेलोसिटी तो जीरो होगा ना, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आया। अ स्ट्रिंग एट 1 मीटर हुज वन एंड इज एट रेस्ट, अ मास ऑफ 100 ग्राम इज टाई अप एट अ फ्री एंड, ठीक है। स्ट्रिंग रोटेट एट 2 बाय पाई रेडियन पर सेकंड अराउंड अ वर्टिकल, अच्छा वर्टिकल एक्सिस, अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स स्टेशनरी एंड, angle made by a string with a vertical क्या कह रहा है, किसी को समझ में आ रहा है क्या सर? 2 by pi round per second दिया है तो linear velocity तो वहीं से निकल जाएगा। इसका क्या मतलब है कि passing through its stationary end, मतलब कि ये ऐसा कुछ है हमको लगता है ना, बड़ा क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। जैसे कि ये जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये इसका फिक्स्ड एंड है, वर्टिकल सर्कल में अगर मूव कर रहा है, देखना इसको सॉल्व करके। जैसे कि मान लो कि वर्टिकल सर्कल मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से तो क्या होगा, ये पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दिया गया है, ये मूव करते मुड़ते यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि टेंशन जीरो हुआ तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और ऐसे जाएगा, तो जब इस टाइम पे जाएगा तो शायद इस टाइम पे वेलोसिटी निकालना है, लेकिन ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ये स्ट्रिंग कहीं से टाइट नहीं है, ऐसे ही बस फ्री है। एक एंड तो टाइट है ना? नहीं, इसका कोई एंड ही टाइट नहीं है, एक एंड ऐसे ही रखा हुआ है और दूसरे एंड पर टाइट है, जो कि जितनी बार अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक ना एक बार उस स्टेशनरी एंड को टच करके घूम रहा है। स्ट्रिंग एट 1 मीटर हुज वन एंड इज एट रेस्ट, वन एंड तो है ना रेस्ट पे, ये वाला एंड क्या है रेस्ट पे है, इस तरह से रखा हुआ स्ट्रिंग ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दिया गया है सेकंड अराउंड, स्ट्रिंग रोटेट्स एट 2 बाय पाई राउंड पर सेकंड अराउंड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स स्टेशनरी वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस ऐसे हो गया, ऐसे वाला है क्या? पासिंग थ्रू इट्स स्टेशनरी एंड एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद वर्टिकल, अच्छा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना दिमाग में नहीं लगाओ, ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है। अरे पेंडुलम वाला क्वेश्चन वो वाला है, कॉनिकल पेंडुलम वाला टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा बोल रहा है, मैं ऐसा लिख दिया कि पता नहीं चला मेरे को, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन है कि इस एंड से ऐसा वाला स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका एंड जो है इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस वाले हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, ये बात समझ में आया। ये एंगल आपको थीटा निकालना है, ठीक है, और आपको मास दिया हुआ है 100 ग्राम, ये जो रिवॉल्व कर रहा है आपको दे रखा है 2 by pi, यानी इस टाइम पे जो ओमेगा है ओमेगा दे रखा है आपको 2 by pi, तो v equal to क्या हो जाएगा, v equal to simply r into omega, ठीक है। और इस लेंथ का जो स्ट्रिंग है इसका 1 मीटर है, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 1 मीटर है, तो यहाँ जो रेडियस हो जाएगा कितना जाएगा, तो अगर इसको थीटा मानते हो तो ये हो जाएगा 1 sin थीटा, तो v equal to क्या जाएगा, v equal to sin थीटा into omega, ठीक है। ओमेगा आप यहां से निकाल लोगे 2 बाय पाई राउंड है, राउंड मतलब क्या हो गया,
रिवोल्यूशन है इतना रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 आ जाएगा। ये 4 साइन थीटा आ गया इसका वेलोसिटी, ठीक है। और थीटा कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है इस तरह क्वेश्चन में नीचे लग रहा होगा एम जी, ठीक है, और इधर लग रहा है टेंशन, और ये एंगल कितना है थीटा है, तो टी कॉस थीटा कितना हो जाएगा एम जी के बराबर, और टी साइन थीटा कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू कितना आता है, टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ये दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा इक्वल क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर जी, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। अब वी इक्वल टू पता है आपको, इतना पता है, यहाँ से आप पुट कर दोगे तो थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, अच्छा क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन है। इसमें दिक्कत क्या आएगा, इसमें एक क्वेश्चन तो ऐसा किया ही हम लोग पहले भी, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गया, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगा, यहाँ पे देखो जो डिग्री में नहीं दिया हुआ है एंगल, जैसे कि मान लो कि कोई एंगल है डिग्री और ये मिनट में दिया हुआ है, इस तरह की चीज आपको पढ़ाया गया होगा जब बेसिक मैथ्स पढ़े होगे तो, हाँ सर पता है, बताया गया ना, उसको कन्वर्ट करना होगा 52 डिग्री 14 मिनट, और ऐसे भी कई बार आता है सेकंड में भी आता है, मान लो कि 50 डिग्री 14 मिनट और ऐसे लिख दे 6 डबल सेकंड, ये सब चीज आप लोग को नहीं अगर आता हो किसी को तो बेसिक मैथ वाले में जाकर देखना, वहां पे डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए बताया गया था एमके सिस्टम में, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, अ पार्टिकल रिवॉल्व इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन अ स्मूथ प्लेन ऑफ ए कोन केप्ट इन्वर्टेड, ठीक है, हाइट ऑफ द प्लेन, हाइट ऑफ अ प्लेन ऑफ सर्कल फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 9.8 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है एक कोन, और कहीं पे इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, अभी पढ़े थे यहाँ पे जो पार्टिकल रखा होगा, ठीक है, अगर इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा इसका कहीं इधर की ओर, इस नॉर्मल को दो कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है, कोन केप इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के कोन ऐसे नहीं होगा जी, कैसे होगा, मिली ऐसा इन्वर्टेड कोन कैसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा, कोन तो ही हो गया ना, हाँ इन्वर्टेड कोन ऐसा होगा, ठीक है, और इस ये वाला इन्वर्टेड कोन हो गया, यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है वर्टेक्स से कितना दूर पे मूव कर रहा है, वर्टेक्स से 9.8 मीटर के हाइट पे मूव कर रहा है, एक क्या दे रखा है आपको, हाइट दे रखा है 9.8 मीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठीक हुआ है 9.8 मीटर, ठीक है, तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगाना है, यहाँ पे इधर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, तो आपको ये एंगल पता करना है कितना होगा, ठीक है, ये एंगल आपको पता करना होगा क्योंकि आपको ये हाइट दे रखा है, ठीक है, हाइट दे रखा है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा में, अगेन सेम चीज होगा, एन कॉस थीटा को एम जी के बराबर कर दोगे, एन साइन थीटा कितना जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का एक क्वेश्चन करके आया था ना ऊपर में, ये वाला यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ऐसा ऐसा दे दिया है, ऐसा मूव कर रहा है इस क्वेश्चन में, जैसे किए थे यहाँ पे, सेम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ठीक है, सेम कौन वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 60, a car is moving with a speed of 200 meter per second at a
पाथ ऑफ रेडियस 100, द स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीज बाय 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इन इच सेकंड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज, अब यहाँ पे दे रखा है कि बेसिकली इसका जो स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कितना हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और आपको रेडियल पता होगा, रेडियल कैसे पता होगा, तो वी स्क्वायर बाय आर, ये आपका वी था, ये आपका आर था, और नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो अंडर रूट अगेन टेंजेंशियल प्लस रेडियल, अंडर रूट एटी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 आपको सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर क्या बोलो, टाइम हो गया 40 होने वाला है सर, तो कब तक चलता है, 3:30 से 4:30, 50 तक चलेगा ना, है सर? ब्रह्म जी जाके क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे तब बताइएगा। कह थक गए इतना जल्दी, और कुछ हो जाता क्वेश्चन 3-4 को, ठीक है, तो 61 से सॉल्व करके आना, 61 से सॉल्व करके आना, ठीक है सर, 61 से लेके जितना ही बचा हुआ है 97-98 तक जो बचा हुआ है, ठीक है, ये तो हम नहीं करवाएंगे, ये तो आपको खुद ट्राई करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, अगर यहाँ तक आप पढ़ लिए तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पुराने आए हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, हम यहाँ तक करा के कल छोड़ देंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ मास शुरू करेंगे, सेंटर ऑफ मास रोटेशन शुरू करने से पहले सर्कुलर मोशन अच्छे से आना चाहिए, एनर्जी पूरे का कॉन्सेप्ट सब यूज होगा उसमें। और सर सर पीडीएफ नहीं आता है और वीडियो भी अपलोडेड नहीं है सारा सीरियल वाइज, पीडीएफ तो हम इसमें कल नहीं भेजे थे क्योंकि इसमें क्या भेजे पीडीएफ, पहले कभी किसी किसी दिन का नहीं आया हुआ है और वीडियो अपलोड नहीं होता है, वीडियो अपलोड करना मेरा काम तो नहीं है, लेकिन हम हमेशा भेजते हैं यार लेक्चर को, सर्कुलर में 24 नवंबर को भेज ही दिए थे, उसके बाद तो उसका क्लास ही नहीं हुआ, मतलब उसका तो क्वेश्चन डिस्कशन ही हो रहा है सर, 2 क्लास का बस नहीं आया है, 2 क्लास का नहीं आया था, घर से जो हम लिए थे क्लास शायद एक उसका नहीं आया होगा, दिवाली के टाइम पे नहीं आया होगा, 11th और 16th, ठीक है, उसका नहीं आया था क्योंकि मैं सेंड तो किया था लेकिन वो एक्चुअली नेट इतना बेकार था कि सेंड ही नहीं हुआ, पेंडिंग ही रह गया, ठीक है, वो कंप्यूटर से ले रहे थे और उतना अच्छा नेट नहीं था, तो उस दिन तो क्लास ऐसे डिस्कनेक्ट हो रहा था, वो हम सेंड ही नहीं कर पाया, तो हमको बता दो डेट बता दो, और वीडियो किस उसका नहीं हुआ, वीडियो हम बोल देंगे, डेट बता दो सर, हम डाउट के लिए ना फॉर्म सबमिट किए थे, 16 एंड डेट बता दो जिसका पीडीएफ नहीं गया, 16 एंड 11th, ठीक है, और जिसको डॉट चाहिए होगा, अगर मेरे से डॉट चाहिए होगा तो ठीक है, मैं उसको देख लूंगा, एक्चुअली जो सर कर रहे थे वो सब काम अभी छुट्टी पे गए हुए हैं घर पे और 11 दिसंबर के बाद आएंगे, ठीक है, तो एक बार मेरे को पिन कर देना सर डॉट चाहिए, मैं रेडी हूँ, लोग ले ही रहे हैं, कोई सुबह ले रहा है, कोई दोपहर ले रहा है, सर वो फॉर्म सबमिट किए थे हम डाउट के लिए, ठीक है मैं देख लूंगा, वो फॉर्म नहीं देख पा रहा, वो जो सर देखते थे वही का काम था, वो 11 दिसंबर तक छुट्टी में है, तो ठीक है मैं देख लूंगा कुछ दिन से मतलब, और पूरा जिसको भी पुराना टॉपिक में डॉट है क्लियर करते चलो, नहीं तो अगर पेंडिंग रखोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आगे चल के, कदम क्लियर करके रखो सब चीजों को, आज के लिए इतना ही, वीडियो तो हम करवा देंगे,